स्मार्टफोन्स 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 आजकल स्मार्टफोन्स का क्रिंज चल रहा है। जिसे देखो वो स्मार्टफोन के पीछे पागल हुए बैठा है। अगर स्मार्टफोन है तो नई ब्रांड नए वर्जन के साथ साथ नए फीचर्स वाले नए स्मार्टफोन चाहिए। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो एक टाइम भूखे रह कर भी स्मार्टफोन का पैसा बचाएंगे। जिनके पास कम अर्निंग होती है वे अक्सर सस्ते स्मार्टफोन के पीछे लगे रहते हैं और मौका मिलते ही उसे खरीद भी लेते हैं। अब सस्ते स्मार्टफोन्स के डिसएडवांटेज से अनजानों के अनगिनत लोग बुरी तरह अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं। सारे स्मार्टफोन एक रेडिएशन निकालते हैं जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या एक स्मार्टफोन रेडिएशन हमें नुकसान पहुँचा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जब रेडिएशन लेवल ज़्यादा होता है तो ये रेडिएशन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा रेडिएशन लेवल हाई होने के कारण हमें नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्मार्टफोन हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिस स्मार्टफोन का रेडिएशन लेवल हाई होता है केवल वही हमें नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में जब चूहे के पास एक हाई रेडिएशन लेवल का स्मार्टफोन रखा गया तो कुछ दिनों के बाद उस चूहे को टेस्ट करने के बाद उस चूहे को हार्ट ट्यूमर की हालत में पाया गया। और इससे ये प्रूफ होता है कि हाई लेवल रेडिएशन वाला मोबाइल या फिर स्मार्टफोन एनिमल सेल को नुकसान पहुंचाता है। और अकॉर्डिंग टू साइंस हम एनिमल सेल के अंदर ही आते हैं और इसलिए हाई लेवल की रेडिएशन हमें भी नुकसान पहुँचाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम ये पता कैसे करें कि हमारा स्मार्टफोन रेडिएशन ज़्यादा निकालता है या कम निकालता है। इसको जानने के लिए हमें अपने स्मार्टफोन में SAR चेक करना होगा। अब SAR क्या होता है? SAR मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट, जो स्मार्टफोन रेडिएशन का मेजरिंग यूनिट कहलाता है, जिसे हम स्मार्टफोन की रेडिएशन मेजर कर सकते हैं। और साथ ही यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन ज़्यादा रेडिएशन निकाल रहा है या कम रेडिएशन निकाल रहा है। अब SAR चेक करने के लिए हमें *#07# डायल करना होगा, जिसके बाद थोड़ा इंतज़ार करना होगा और फिर आपके स्मार्टफोन में SAR कितना है ये आपको पता लग जाएगा। अगर SAR 1.6 किलोवाट से ज़्यादा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक है और आपको इमीडिएट उस स्मार्टफोन को बदल देना चाहिए। और अगर SAR 1.6 किलोवाट से नीचे है तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। SAR लेवल हाई उसी स्मार्टफोन में होते हैं जो सस्ते होते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज SAR वेरीफिकेशन वेरीफाइड नहीं होते हैं। घटिया क्वालिटी और मटेरियल ज़्यादातर सस्ते स्मार्टफोन में ही होते हैं, इसलिए स्मार्टफोन को एक बार *#07# से SAR चेक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। धन्यवाद।